संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली ना सेलवास खाते मुस्लिम बिरादरों द्वारा रमजान ईद नी उत्साह भेर उजवणी करवामां आवी हती। ईद शब्द मूल अवध परथी आव्यो छे। अवध नो अर्थ छे कोई पण बाबत नु पुनरावर्तन थवुं। दर वर्षे पाछी फरती खुशी एटले ईद। ईद नु महत्व इस्लाम मां बाह्य खुशी पूरतुं सीमित नथी। ईद नी खुशी साथे एकता, शांति, समर्पण, समानता, इबादत अने खुदा नी नेमतो मेहरबानीओनो शुक्र अदा करवानी भावना पण संकळायेली छे। ईद अल फित्र अथवा सादी भाषा में कही तो ईद ए मुख्यत्वे अरबी शब्द छे अने तेने फित्र एटले उपवास तोड़वो थाय। ईद उल फित्र ए इस्लामिक प्रार्थना छे जे माटे मोटे भागे समूह में मोटा हॉल में थाय छे। रमजान नो आ पवित्र महीनो के जेमा मुस्लिमो उपवास राखे ने खुदा नी बंदगी करे छे, कुराने शरीफ वाँची ने जीवन में उतारवानो प्रयास करे छे अने ईद उल फित्र अने ईद उल अधा એ બંને દિવસોમાં મુસ્લિમો તેમના ખુદા પ્રત્યે આદરભાવ અને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી તેમની બંદગી કરે છે। સેલવાસમાં ઈદ ઉલ ફિત્ર નિમિત્તે જામા મસ્જિદમાં સવારે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા નમાઝ અદા કરી એકબીજાને ગળે મળી ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી હતી। મન્નાભાઈ, આપકે ચેનલ કે માધ્યમ સે સેલવાસા સુન્ની જામા મસ્જિદ ऑफिस में मैं बैठा हूं और एज ए कमेटी के तमाम मेम्बरान यहां पर हाजिर हैं और मैं आपको हिजरी सन 1443 और 2022 की ईद उल फित्र की ये खुशखबरी पेश कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेलवासा सुन्नी जामे मस्जिद में बड़े जश्न गफीर में और बड़े इज्तिहाम के साथ तमाम मुसलमानों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है और माशाल्लाह इस कदर लोग नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए आए कि दो मरतबा नमाज ईद उल फित्र का एहतमाम करने की ज़रूरत दरपेश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान मुबारक सेलवासा सुन्नी जामे मस्जिद कमेटी की जानिब से इफ्तार और सहरी का इस तरह इंतज़ाम किया गया था कि माशाअल्लाह बड़ी कसीर तादाद में बड़े इत्मीनान सुकून के साथ तमाम बिरादरान इस्लाम ने रमज़ान मुबारक के इफ्तार की रस्म को और इस इबादत को अंजाम दिया और किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका किसी को नहीं मिला। और ईद के रोज़ सेलवासा पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया और उनकी निगरानी में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई और उन्हें भी बड़ी मसरत हुई, बड़ी खुशी हुई कि सेलवासा के जिस कदर बिरादरान इस्लाम है बड़े सुकून के साथ और बड़ी तहजीब के साथ और बड़े डिसिप्लिन के साथ उन्होंने नमाज अदा की है और पुलिस डिपार्टमेंट के किसी एक कांस्टेबल को भी एक अदना सी शिकायत का मौका नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से नमाज ईद उल फित्र और रमज़ान मुबारक और सारे त्यौहार और हमने ईद उल फित्र के दिन खुसूसी तौर पर ये दुआ भी की है कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे और तमाम अदियान के लोगों को, तमाम मजाहिब के लोगों को अपने अपने तौर पर अपने त्यौहार मनाने के अच्छी तरह जो है तो उनका इंतज़ाम हो सके और वो अपने तमाम त्यौहारों को नहायत ही खुशी और खंदास पेशानी के साथ अंजाम दे, यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी दुआ है। बस आज तक के लिए इतना ही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरे 30 रोजे हमारे मुकम्मल हुए और आज इस खुशी के मौके पर, ईद की खुशी के मौके पर बाकायदा काफ़ी तादाद में ईद की नमाज़ के लिए जागरीन आए इधर और हम हमारे पुलिस प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी कलेक्टर डिपार्टमेंट का जिन्होंने इंतजाम किए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमने भी पूरी, हमारे वॉलंटियर्स हजरात ने भी पूरी यहाँ पे खिदमत की ताकि उनको भी उनके सपोर्ट में खड़े रहे और सुन्नी जामा मस्जिद ने जितना बेहतरीन इंतज़ाम किया, जिस तरह का शहरी का 330 दिन का इंतजाम किया गया था, जो अपना यहाँ के अपने कंपनी में वर्कर थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, उनके लिए इंतजाम थे, इतनी ही बेहतरीन इफ्तारी का भी प्रोग्राम किया गया था
बाहर के आए हुए सभी मुसाफिरों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और हम सुन्नी जामा मस्जिद की कमेटी से ये ऐलान करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इससे भी बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। और हम हमारे मीडिया ग्रुप का भी पूरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अच्छा सा कवरेज दिया और पूरा सपोर्ट किया।